हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर है और आज हम देखेंगे डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग। एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जहां हम बताएंगे कि डेटा वेयरहाउस क्या होता है विद अ लाइव एग्जांपल। आगे की वीडियोस में सारी चीज़ें और पूरा डेटा वेयरहाउस का कॉन्सेप्ट बताने वाले। तो भाई डेटा वेयरहाउस, भाई नाम तो बहुत सुना, होती क्या ये चीज़? एक साइड में रखो यार डेटा वेयरहाउस, सबसे पहले एक एग्जांपल देखते जिससे आपका डेटा वेयरहाउस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये मैंने कुछ बनाया है। आपने बिग बाज़ार का नाम सुना है? हाँ भाई, बिग बाज़ार का नाम सुना है। क्या है वो यार? शॉपिंग मॉल है। हाँ, तो बिग बाज़ार के कितने ये मीन्स ब्रांच है? भाई बहुत है, होंगे 50-60 होंगे। तो अज्यूम करो कि भाई बिग बाज़ार के 8 ब्रांच है। अब उसका मालिक अचानक बोलता है, हाँ भाई मेरे को ये बता कि मेरा बिजनेस धंधा कितना हुआ, यानी सेल्स कितने हुए। अपने मैनेजर को उसने बोला कि सेल्स कितने हुए। मैनेजर बोलता है, अबे ये थोड़ी 60 जगह ढूंढ के जाना पड़ेगा। या फिर 8 जगह उसने गया, बोला ठीक है भाई। हो गया पहले के पास, पूछा कितना हुआ, सेकंड के पास, थर्ड के पास, फोर्थ के पास, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट। हर जगह के पास बंदे ने भाई 10-10 मिनट, 1-1 घंटा फोन विन किया और उसने इन्फॉर्मेशन ला के दे दी कि भाई ये लो सेल्स। अब मालिक बोलता, हाँ भाई सेल्स ठीक है, अब ये बता कि प्रोडक्ट कितने बिके, कौन से ज़्यादा बिक रहे। अब यार मैनेजर बोलता, ये तो यार ज़्यादा हो गया। वापस गया वो हर जगह और वापस इन्फॉर्मेशन लाई। अब अगर तीसरी बार मालिक कुछ नई चीज़ मांग ले तो मैनेजर बोलेगा, भाई तू तेरी जॉब रख, मेरे को नहीं चाहिए। यानी हो क्या रहा है भाई? अलग अलग जाके जगह जाके डेटा बार बार रिट्राइव करना पड़ रहा है और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, इरिटेटिंग चीज़ है और फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है। तब पिक्चर में आया डेटा वेयरहाउस। तो डेटा वेयरहाउस में क्या होता है, हर जगह से इंफॉर्मेशन ला के एक बड़ी जगह पे स्टोर कर देते हैं। यहाँ से हर जगह के। तो ये क्या हो गया, डेटा वेयरहाउस। ठीक है, तो मीन्स हर महीने वो डेटा, अगर भाई हर महीने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल देना। अब अगर मालिक को सेल्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको मैनेजर की भी जरूरत नहीं है, वो सीधा आएगा डेटा वेयरहाउस में, बोलेगा सेल्स की इन्फॉर्मेशन, उसको सेल्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसी तरह से उसको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो डेटा वेयरहाउस है क्या? कलेक्शन, अ बिग कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम द स्मॉल डेटाबेसेस। ये तो हो गया भाई कॉन्सेप्ट। तो अब आपको पता चल गया वो एक्चुअल डेटाबेस क्या है, डेटा वेयरहाउस क्या है। डेटा वेयरहाउस क्या, अलग अलग जगह से, अलग अलग ब्रांचेस से पूरा डेटा आके डेटा वेयरहाउस में स्टोर होता है। या फिर ऐसा कह सकते, इसको एक गोडाउन कह सकते हैं। वेयरहाउस मतलब क्या होता है, गोडाउन, डेटा का गोडाउन जहाँ सारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो अब डेटा वेयरहाउस के अंदर कौन सा डेटा स्टोर होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो चलो देखते हैं। डेटा दो टाइप के होते हैं, एक होते ऑपरेशनल, और दूसरे होते स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। अब दोनों बहुत काम के हैं, डिपेंड करता है यूज पे। ऑपरेशनल डेटा यानी डे टू डे काम में जो आते हैं, बोले भाई डे टू डे काम में ये पर्सन ने ये ऑर्डर दिया तो ये ऑर्डर इस जगह पे इस टाइम पे डिलीवरी होना चाहिए। ये क्या है, डे टू डे ऑपरेशनल डेटा है कि भाई ये एम्प्लॉय इस टाइम पे लेट आ रहा है तो इसकी इतनी पगार कटनी चाहिए, ये कस्टमर ऐसा है, ये कस्टमर वैसा, ऐसा ना वैसा ना, फलाना ढिमका। अब स्ट्रेटेजी इन्फॉर्मेशन क्या होती है भाई, डे टू डे ऑपरेशनल तो ऑपरेशनल डेटा, स्ट्रेटेजी इन्फॉर्मेशन में वो चीज़ें आती है कि भाई कितनी दुकान अपने ब्रांचेस की सेल्स हुई, सबसे ज़्यादा कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं, कहाँ प्रोडक्ट बिकी नहीं रहे, नो प्रोडक्ट सेलिंग, कौन से मौसम में सबसे ज्यादा घिरागी होती है, कौन से मौसम में सबसे कम घिरागी आती है, वो इन्फॉर्मेशन जो डिसीजन मेकिंग पे काम आती है। यानी भाई फैसला करना है कि भाई मेरा धंधा क्यों नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, या फिर मेरा बिजनेस चल रहा है तो इसको और आगे कैसे ले जा सकता हूँ, उसको कहते हैं स्ट्रेटेजी इन्फॉर्मेशन। तो डेटा वेयरहाउस में कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, स्ट्रेटेजी इन्फॉर्मेशन। ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन उनके ब्रांचेस में ही रहेगी, डेटा वेयरहाउस में इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो डेटा वेयरहाउस द इन्फॉर्मेशन इज स्टोर इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब भाई पूछते का नीड क्या है यार, क्यों ये डेटा वेयरहाउस की नीड क्या है, ये अक्सर कोई एग्जाम में पूछा जाता है कि डेटा वेयरहाउस की नीड क्या है। नीड यानी जरूरत, भाई डेटा वेयरहाउस की चाहिए। 1970 में क्या हुआ, बिजनेस चलने लगे, पहले तो आंकड़े थे, बड़े बड़े बिजनेस होने लगे। अब सब बिजनेसमैन सोचने लगे मेरे को अपना बिजनेस बढ़ाना, मेरा सबसे अच्छा चलना चाहिए। लेकिन उनके पास इन्फॉर्मेशन क्या थी, उनके ब्रांचेस थे लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या थी कि भाई कौन सा कस्टमर
सॉरी कहाँ डिलीवरी करनी है ये और वो, उनके पास स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तब क्या हुई, नीड आई डेटा वेयरहाउस की, जस्ट स्ट्रेटेजी इन्फॉर्मेशन की जरूरत थी। स्ट्रेटेजी इन्फॉर्मेशन क्या, यानी कौन सी सेल सबसे ज़्यादा हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है और कौन सा प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा, कौन से प्रोडक्ट के लिए मैं मार्केटिंग ज़्यादा करूँ और कौन से प्रोडक्ट के लिए करूँ ही नहीं, हमें आगे कौन से प्रोडक्ट खरीदने चाहिए और कौन से नहीं। तब डेटा वेयरहाउस की नीड आ गई, फॉर व्हाट, स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन। तो ये तो हो गया कि भाई नीड क्या है। अब एग्जाम में ये तो नहीं सीख सकते कि हाँ डेटा वेयरहाउस का हर जगह से डेटा लाया, ये मालिक है, ये मैनेजर, ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना, हमें टेक्निकल डेफिनेशन तो चाहिए। तो बेल एनॉम, जिसको डेटा वेयरहाउस का फादर कहते हैं, उसने एक डेफिनेशन दी जिसे मैं आपको पढ़ रहा हूँ और उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। डेटा वेयरहाउस इज अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड नॉन वोलेटाइल टाइम वेरिएंट कलेक्शन ऑफ डेटा इन सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन। कुछ पढ़ लेनी पड़ी, सब ऊपर से गई, सब फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ी थी, मेरे भी ऊपर से गई थी। अब देखते हैं इन चारों चीज़ों का मतलब क्या है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, जैसे मैंने कहा था भाई डेटा वेयरहाउस का एक बड़ा सा डेटा है। अब उस बड़े से डेटा वेयरहाउस में है ना छोटे छोटे कमरे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डेटा मार्ट कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डेटा मार्ट। अब डेटा मार्ट क्या होता है उसको आगे की वीडियो में हम डिटेल में देखने जाएंगे। अब एज्यूम करो कि डेटा वेयरहाउस है ना, उसमें छोटे छोटे कमरे, अब हर एक कमरे में ना एक इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड डिटेल में है। तो पहले कमरे में क्या है, समझो पहले कमरे में सेल्स की इन्फॉर्मेशन है, सेकंड में क्या है कस्टमर की है, तीसरे में क्या है प्रोडक्ट की है, तो चौथे में क्या होगी एम्प्लॉय की है, कौन सा एम्प्लॉय कौन सा नहीं। तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब एक सब्जेक्ट के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन एक जगह पे है, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में दूसरी जगह पे। ऐसा नहीं कि हाँ भाई ये सेल्स आया इसको इधर, उसके ऊपर कस्टमर, वापस सेल्स की आई, वापस सेल्स, वापस प्रोडक्ट, ऐसे कचरे जैसा डेटा नहीं डाला है, उसको एकदम मैनेज करके डाला है। इसीलिए इसको कहते हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक सब्जेक्ट के रिलेटेड एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। सेकेंड है इंटीग्रेटेड, भाई अपना भारत महान, भारत में कितनी भाषा है, बहुत सारी भाषा है, लेकिन सब भाषा वाले लोग भी एक साथ रह रहे हैं ना, उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डाटा। उसी तरह से अपने पास बहुत सारे मीन्स ब्रांचेस है, सब एक साथ आ रहे, अब ब्रांचेस में अलग अलग डेटाबेस, यानी इधर ओरेकल होगा, उधर MySQL होगा, अलग अलग डेटाबेस होंगे, सारे मिलके इधर एक आ रहे। जैसे इंडिया में हम हिंदी स्टैंडर्ड लैंग्वेज कैसे बोलते, उसी तरह से यहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा। तो इंटीग्रेशन मतलब क्या, सारा डेटा एक साथ लेके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसको फॉलो करना। अब आ गया नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है भाई, डे टू डे ऑपरेशनल डेटा में हम क्या करते थे, डे टू डे ऑपरेशनल डेटा में क्या होता था भाई, चल मैंने है ना ऑर्डर दिया, ऑर्डर में कुछ चेंजेस आए, खड़ाखट चेंजेस कर दिए, फिर क्या ऑर्डर डिलीट कर दिया, अगर नहीं काम करे तो उसको अपडेट कर दिया, यह ऑपरेशनल डेटा में चलता था। लेकिन डेटा वेयरहाउस में ऐसा कुछ नहीं है भाई, डेटा वेयरहाउस में एक बार तूने डेटा स्टोर कर दिया तो तू फिर उसको डिलीट ही कर सकता है, उसको एडिट नहीं कर सकता, समझ लो। तो डेटा वेयरहाउस का मतलब है ये नॉन वोलेटाइल, ये चेंज नहीं तू कर सकता, या तो पूरा डिलीट कर सकता है या उसके ऊपर नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकता है, उसको एडिट नहीं कर सकता, अपडेट नहीं कर सकता। तो ये हो गया नॉन वोलेटाइल। अब देखते हैं टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट का नाम सुन के कैसा मतलब लगता है कि टाइम वेरिएंट होगा यानी टाइम के साथ वेरी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ टाइम वेरिएंट का मतलब ये है कि ये बाबा आदम जमाने का भी डेटा रखता है। बाबा आदम जमाने यानी अगर 5 साल पहले मेरी सेल्स बहुत थी, 3 साल तक मेरा धंधा चला, 2 साल में चौपट हो गया, तो 3 साल पहले मैंने कौन सी पैटर्न यूज़ की थी, ऐसा कौन सा बिजनेस प्रोसेस यूज़ किया था, वो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको डेटा वेयरहाउस में वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो टाइम वेरिएंट का क्या है, मतलब बाबा आदम जमाने का भी डेटा ये रखता है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन मिलके किसको, मालिक को देता है, ये सबका कलेक्शन ऑफ डेटा मालिक को देता है डिसाइड करने के लिए आगे मुझे अपना धंधा कैसे बढ़ाना है, ठीक है। तो अब एक बार डेफिनेशन पढ़ते, डेटा वेयरहाउस इज अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड नॉन वोलेटाइल टाइम वेरिएंट कलेक्शन ऑफ डेटा इन सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट, इधर आप मालिक भी डाल सकते हो, डिसीजन यानी डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, ठीक है। अब अगर आपको ये चार चीज़ें भी याद नहीं हो रही तो आपने कोको कोला का टिन कभी सुना रहेगा, बियर का टिन सुना होगा, सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड। तो टिन, टी आई एन एस, टी से क्या टाइम वेरिएंट, आई से इंटीग्रेटेड, एन से नॉन वोलेटाइल और एस पे सब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन याद नहीं आ रही तो ये टीम्स तो याद कर सकते हो, ये चार चीज़ें लिख दो, एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वैसे आप फिकर मत कीजिए, इस सबके नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, आगे सारे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, फॉर एग्जांपल डेटा मार्ट क्या होता है, उसका आर्किटेक्चर क्या है,
ओलैप ऑपरेशंस क्या होते हैं, डिसीजन मेकिंग पूरे सम्स, सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वो लाल बटन, जो लाल बटन पर आप लड़िए करिए कुछ भी करिए, लेकिन उस पर वो क्लिक कर दीजिए। और अच्छे वीडियो लाऊंगा, बहुत अच्छे से लाऊंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो अपनी जरा लास्ट मोमेंट में पढ़ दे। अगर आपको कुछ भी डाउट है इसके रिलेटेड तो कमेंट कीजिए। हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए तो मैंने अपनी ईमेल आईडी नीचे डाली है, आप मुझे मेल कर सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी है, अब वो डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन वीडियो देखने को।